एक्ट्रेस पूनम पांडे के निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। 2 फरवरी को खबर आई थी कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि इस बात पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। जी हां, लेकिन अब खुद सामने आकर पूनम पांडे ने अपनी मौत की खबर को झूठा बता दिया है। इतना ही नहीं, पूनम ने खुद अपने निधन की झूठी खबर फैलाई थी। जी हां, एक्ट्रेस पूनम पांडे जिंदा है। जी सही सुना आपने, 2 फरवरी को पूनम पांडे की टीम ने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया और सभी को उनके निधन की जानकारी दी। पूनम पांडे ने अब खुद सामने आकर खुद अपनी जिंदा होने के सबूत दे दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है कि वो अभी जिंदा हैं। आपको बता दें, बीते दिन से पूनम पांडे की मौत की खबर पर सभी को हैरत हो रही थी। काफी लोगों को उनकी मौत की ये खबर झूठी भी लगी, लेकिन जिस तरह से स्टार्स के रिएक्शन आ रहे थे तो लोगों ने धीरे धीरे यकीन करना शुरू कर दिया था। लेकिन पूनम ने अपनी मौत की अब झूठी खबर खुद फैलाई थी, ये अब साबित हो गया है। जी आपको बता दें, पूनम पांडे ने पहले भी ऐसे कई पब्लिसिटी स्टंट्स की वजह से सुर्खियों में बनी रही हैं। इसी वजह से उनकी ऐसी न्यूज़ पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता। पूनम की टीम द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में साफ साफ लिखा गया था कि पूनम का निधन सर्विकल कैंसर के चलते हुआ है। पूनम पांडे ने अपनी मौत की खबर पर सफाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं सर्विकल कैंसर से नहीं मर सकती। लेकिन दुखद बात यह है कि इसने उन हजारों महिलाओं की जान ले ली है जो इस बीमारी से निपटने के बारे में ज्ञान की कमी के कारण पैदा हुई। कुछ अन्य कैंसरों के विपरीत सर्विकल कैंसर पूरी तरह से रोकथाम योग्य है। मुख्य बात HVP वैक्सीन और शीघ्र पता लगाने वाले परीक्षणों में निहित है। हमारे पास ये सुनिश्चित करने के लिए साधन है कि इस बीमारी से किस तरह से जान बचाई जा सकती है। पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर आकर कहा, मैं आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बात शेयर करने के लिए अपने आप को यहाँ पर लाई हूँ। मैं यहाँ हूँ, जीवित हूँ। सर्विकल कैंसर ने मुझ पर दावा नहीं किया, लेकिन दुखद बात यह है कि इसने उन हजारों महिलाओं की जान ले ली है जो उस बीमारी से निपटने के बारे में ज्ञान की कमी के कारण अपनी जान गंवा बैठी। कुछ अन्य कैंसरों के विपरीत सर्विकल कैंसर पूरी तरह से रोकथाम योग्य है। मुख्य बात HVP वैक्सीन और शीघ्र पता लगाने के परीक्षणों के वजह से ये बीमारी हमारे शरीर को सही इलाज और सही परीक्षणों के बलबूते पर ये बीमारी हम अपने शरीर से इसको निकाल सकते हैं। हमारे पास ये सुनिश्चित करने के साधन है कि इस बीमारी से किसी की जान ना जाए। आइए आलोचनात्मक जागरूकता के साथ एक दूसरे को सशक्त बनाएं और सुनिश्चित करें कि हर महिला को उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी हो। क्या किया जा सकता है इसके बारे में गहराई से जानने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर जाएं। आइए मिलकर इस बीमारी के विनाशकारी प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करें। जी हाँ, ये पूनम पांडे ने अपनी वीडियो में बताया है। इसके बाद से ही पूनम पांडे के इस पब्लिसिटी स्टंट्स की काफी आलोचनाएं हो रही हैं। अभी उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये भी बताया कि वो 1 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाली हैं। तो देखते हैं कि अब वो इंस्टाग्राम पर लाइव आकर क्या और नया धमाल मचाने वाली हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।